जिला परिषद चुनाव के प्रचार के दौरान लाखनी तहसील के ग्राम जीवनाला में मैं मोदी को मार सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ यह विवादित बयान देकर बुरी तरह से फंसे नाना पटोले के साथ मोदी उर्फ उमेश खरड़े एक मंच पर दिखे। मौका गुरुवार को लाखनदूर में आयोजित रोजगार सम्मेलन का था, जिस मोदी उर्फ उमेश खरड़े को मारने की बात नाना पटोले कर रहे थे वह उनके साथ दिखा तो सभी हैरान हो गए। मोदी पर दिए गए नाना पटोले के बयान की याद फिर से ताजा हो गई। जिला परिषद चुनाव के दौरान जनवरी 2022 में मैं मोदी को गाली दे सकता हूँ, मार भी सकता हूँ यह बयान देकर नाना पटोले भाजपा नेता के निशाने पर आ गए थे। यह मामला कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया था। अब गुरुवार को नाना पटोले यह मोदी उर्फ उमेश खरड़े के साथ लाखनदूर में आयोजित रोजगार सम्मेलन के कार्यक्रम में साथ दिखे। दोनों को एक मंच पर देखकर उपस्थित नागरिकों में चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसे में मोदी उर्फ उमेश खरड़े को स्वयं नाना पटोले ने तो न्योता नहीं दिया, ऐसा सवाल भी सामने आया है। नहीं हाँ, ऑलरेडी तुमच्या मीडियाच्या समोर पहिले आले आणि माझ्याकडे नंतर आले, त्याच्यामुळे तुमच्या मीडियानी आणि सगळ्यांनी पोलिसांनी त्यांचं दर्शन घेतल्यानंतर मी पहिल्यांदा आज त्यांना पाहतो आहे। तर मगाशी माझ्याजवळ आले, त्यांनी आपला परिचय करून दिला, तेव्हा मी पहिल्यांदा याला मी ओळखेन। नाही, तो मला भेटायला आला आज, मी त्याला पहिल्यांदा इथं पाहतो आहे, मी याला कधीच पाहिलं नव्हतं। आता त्यांनी स्वतःची ओळख मला मगाशी येऊन या ठिकाणी उभं होऊन त्यांनी करून दिली, म्हणून त्याला सांगितलं बसा या ठिकाणी।